नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से प्राची को पता लग चुकी है कि रणवीर यही ही है। और वाकई में प्राची इसीलिए दिल्ली नहीं आना चाहती थी और प्राची बार बार अपसेट हो रही है। इधर रणवीर की बात की जाए तो रणवीर भी इस समय बहुत ज्यादा टेंशन में है कि आखिरकार प्राची है, लेकिन उसे आर्यन समझा रहा है कि भाई प्राची नहीं है, आप इस चीज को समझते क्यों नहीं हो, जो चीज़ है ही नहीं उसे तुम कैसे ला सकते हो, प्राची मर चुकी है। जिसके बाद में रणवीर और भी ज़्यादा गुस्सा दिखाता हुआ नजर आने वाला है आर्यन पर। आर्यन से बोलता हुआ नजर आएगा कि ये सब कुछ झूठ है, तुम ऐसे मत बोलो, प्राची तब तक जिंदा है जब तक रणवीर जिंदा है, वो चीज़ बोलता हुआ नजर आने वाला है रणवीर। जी हाँ, रणवीर अपने आप से कंपेयर करता हुआ नजर आएगा। और ये दोस्तों एक रियलिटी भी है कि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो रणवीर को अंदेशा हो ही जाता है प्राची होने का, और अब प्राची होने का उसे पूरा कॉन्फिडेंस हो चुका है कि प्राची है, सौ में सौ है। लेकिन इधर बात की जाए तो जल्दी ही रणवीर की लाइफ में नए गुल खिलने जा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि उसकी मैनेजर काया जल्दी ही रणवीर और दोनों एक दूसरे के अटैचमेंट भी जोड़ती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि हमेशा रणवीर के साथ में वो ही हुआ है, दो दो लड़की, और एक बार फिर से दो दो लड़की फिर देखने को मिलेगी, क्योंकि काया और रणवीर की फिर से एक दूसरे के साथ में बॉन्ड देखने को मिलेगी। आप लोग जानते ही हैं कि ऐसे किसी ने सोचा नहीं था कि रणवीर की कुछ इस तरीका से बॉन्ड भी देखने को मिलेगी काया को, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं काया को ये भी पता है कि ये अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है, और सॉफ्ट कॉर्नर वैसे नहीं है बल्कि दिल से बहुत अच्छा है रणवीर के लिए। ये सब कुछ भी पलता चलता हुआ नजर आने वाला है। हालांकि दोस्तों प्राची की बात की जाए तो प्राची और रणवीर जल्दी ही एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा इस कैसे लग रही है मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को सपोर्ट किया है दिल से।